हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मैं एक मोबाइल में एक ऐसे फ्यूचर के बारे में बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत नॉलेजफुल हो सकता है, तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिल सकता है। जैसे कि आपने क्यूक डायल के बारे में सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्यूक डायल क्या है, ये कैसे काम करता है, मैं इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप कॉल करते हैं, कुछ नंबर ऐसे हैं, फैमिली, दोस्त और कोई हो सकता है, जो आपको बार बार नंबरों की जरूरत पड़ता है, बार बार उस पे कॉल करते हैं। कॉन्टेक्ट में जाके नंबरों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप अपना डायल पैड खोलेंगे, किसी एक नंबर पे एक सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो वो नंबर ऑटोमेटिक डायल हो जाएगा, और होएगा जब भी जब हम क्यूब डायल से सेटिंग करेंगे, क्यूब डायल में नंबर को ऐड करेंगे। क्यूब डायल में नंबर 2 से लेके 9 तक ऐड होते हैं। 2 नंबर पे आप जिस फैमिली का नंबर ऐड कर लेंगे उसको 1 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक डायल हो जाएगा, आपको ना कॉन्टेक्ट में जो ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल पेरेंट्स चैनल को और जस्ट बेल आइकन को टच करें, ऑल पर जाएं, न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचे। दोस्तों, आ गया हूं मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। चलते हैं डायल पैड। डायल पैड को ओपन किया, नीचे 3 लाइन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। नीचे जाएंगे, एडवांस सेटिंग क्लिक करेंगे। अब आपको दिख रहा होगा ऊपर क्यूब डायल, क्यूब डायल पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारा क्यूब डायल पैड खुल गया है। इसमें हम अपना 2 से लेके 9 तक नंबर ऐड करेंगे, और जो एक नंबर है इस पे ऐड नहीं होता, इस पे वॉइस मेल ऐड नंबर रहता है, या तो इसमें मैसेज सेंटर नंबर ऐड होता है, 2 से लेकर 9 तक ऐड होता है इसमें। तो पहले तो मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं अपने नंबर, जो हमें नंबर बार बार जोड़ पड़ते हैं, फैमिली के, दोस्तों के, तो इसमें 2 नंबर पहले मैं डिलीट करेंगे। 2 नंबर को टच किया, डिलीट हो गया। 3 नंबर को टच किया, डिलीट हो गया। ऐसे 4, 5, 6, 7, 8, 9 किसी को भी हम जो नंबर ऐड पहले कर रखे हैं किसी को भी डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा एक टच में। तो 2 नंबर को मैं ऐड करता हूं, आ गया हूं कॉन्टेक्ट में, एक क्लिक किया ये ऐड हो गया। 3rd नंबर एक क्लिक किया ये नंबर ऐड हो गया। चलते हैं हम बैक, आ गया हूं डायल पैड पे। अब जो नंबर 2 से लेकर 9 तक मैंने ऐड कर रखे हैं, किसी भी एक नंबर को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक डायल हो जाएगा नंबर। देखिए दोस्तों, मैं डायल कर रहा हूं, 3 नंबर को मैं हल्का सा प्रेस किया 1 सेकंड के लिए, तो ये डायल पे आ गया। ये डायल इसलिए नहीं हुआ, इसमें लिख रहा है चूज सिम कार्ड, क्योंकि ये हमारे फोन में 2 सिम पड़े हुए हैं, अगर 1 सिम होता तो ऑटोमेटिक डायल हो जाता। हम 1 सिम पे टच करेंगे तो ये डायल हो जाएगा। देखिए डायल हो गया, मैं इसको काट दिया। तो आपने दोस्तों देख लिया होगा ये कैसे काम कर रहा है, और जो हमें नंबर बार बार जरूरत पड़ते हैं उसी नंबर को हम ऐड करते हैं, ताकि हमें नंबर बार बार ढूंढने ना पड़े। जो हमें ज्यादा जरूरत नंबर पड़ते हैं जिस पे हम बार बार कॉल करते हैं, उन्हीं नंबर को हम ऐड करते हैं इसमें, किसी एक जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से लेकर 7, 8, 9। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 नंबर हमने किस फैमिली का ऐड किया है, 3 में किसका किया है, 4 में किसका किया है, तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। जिसको कॉल करेंगे उसी नंबर को हम प्रेस करेंगे और जाकर तुरंत बात करेंगे उससे। क्यूक डायल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, या इस वीडियो पर रिलेटेड हमें कुछ सुझाव देना है, तो जाइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में और हमें कमेंट करके बताएं।